नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज संक्षिप्त में हम बात करेंगे 10 महाविद्या के ऊपर। आदिशक्ति जगत जननी की उपासना अनंत काल से होती आ रही है और देवताओं को भी जब भी कोई परेशानी आई, विपत्ति आई असुरों से, जब असुरों ने तंग करते थे तब वे माँ जगदम्बा की शरण में जाते थे और माँ जगदम्बा असुरों का और दुष्टों का नाश करने के लिए और उनका कष्ट निवारण करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करती थी। ऐसे ही अवसर पर माँ जगदम्बा ने जो अनेक रूप धारण किए वही नवदुर्गा भी हैं और 10 महाविद्या भी कहलाती है। संसारी जीव गृहस्थ जन अपने कष्टों के निवारण के लिए न केवल सामान्य सुख संपत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पति पत्नी में बनती ना हो, इन सभी चीजों के लिए निवारण के लिए माँ जगदम्बा का स्वरूपों की उपासना करते हैं और पूजा उपासना से स्वर्ग अपवर्ग के सुख की प्राप्ति होती है। परंतु बहुत सारी जो विद्या है वो अधिकतर संस्कृत भाषा में होने के कारण सर्वसाधारण व्यक्तियों को यह सुलभ नहीं होती और बहुत सारे ग्रंथों में, विशेष रूप से तंत्र ग्रंथों में, उनके बहुत गुड सिद्धांत, पूजा पद्धति वो भी आपको संस्कृत भाषा में ही मिलेंगे। आवश्यकता तो इस बात की है कि इन सारी पूजा पद्धतियों को, पूजा की जो पद्धतियां हैं उनको हिंदी भाषा में सबके सामने सुलभ की जाए और इसी की चीज को, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर 10 महाविद्याओं की पूजा प्रक्रिया के बारे में मैं एक सरल प्रयास करूंगा कि उनका पॉडकास्ट बनाकर अपने चैनल पर यहाँ पर मैं रख सकूं ताकि सामान्य मनुष्य को वह उपलब्ध हो सके। तंत्र शास्त्र में साधन प्रक्रिया तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है मंत्र, और मंत्र में जो जो बीच के अक्षर रहता है जिसको हम कहते हैं बीजाक्षर, उनकी ध्वनियों को आवृत्ति का नाम ही वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। आवृत्ति यानी कि द रेपिटेशन पार्ट, और उसको एक वैज्ञानिक रूप भी दिया गया है। इसीलिए हमारे जो मंत्र स्रष्टा, जो ऋषि रहे, उन्होंने अद्भुत मंत्रों को जो का त्यों संस्कृत में ही रहने दिया और उनका जो आविष्कार भी हुआ कहीं न कहीं ब्रह्मांड से उन मंत्रों की ध्वनि का जब उच्चारण हुआ, कहीं न कहीं उन आवृत्तियों को भी संस्कृत में ही रखा गया, परंतु अन्य हिंदी भाषा में इसका सुलभ होना मुश्किल हो गया। श्री परमपिता परमात्मा ने जब इन भाषाओं को जाना कि सामान्य व्यक्ति उसको उच्चारण नहीं कर पाता, तभी भगवान शिव ने इसका सरलीकरण करने के लिए साबर मंत्रों की रचना की और उनका एक अवतार माना जाता है भगवान श्री गोरखनाथ जी, जो शंकर भगवान का पूर्ण अवतार माना जाता है। और इन अवतारों का उद्देश्य जन साधारण को इस ओकल साइंस का, इस मंत्र शास्त्र का, आध्यात्मिकता का प्रचार करने के लिए, ना कि किसी को हानि पहुंचाने का। अपने परिवार के लिए जो उचित लगे उस जीविका की मांग, उन अत्याचारों से रक्षा करने के लिए पूजा पद्धतियों का आविष्कार किया गया है और किसी के धर्म से अर्जित धन का कोई बेईमानी से यदि कोई हड़प कर लेता है, कानून, राज्य अधिकारी या कोई सहायक नहीं हो रहा है, तो मंत्र की उपासना आपको जरूर सहायता करती है। वैसे कि जैसे मैंने बताया कि पर्वती काल में साबर मंत्रों के नाम से हिंदी में ही साबर मंत्रों की भी रचना जन साधारण के लिए और अशिक्षित वर्ग, अर्ध शिक्षित व्यक्ति और निम्न वर्ग के लोगों के लिए रचना की गई थी भगवान के द्वारा, और यह मंत्र भी अपना आप बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। परंतु मैं यहाँ पुराने तंत्रों की मैं बात करूँगा और पूजा पद्धति को समझाने का एक हल्का सा मेरा प्रयास है। प्रत्येक पूजा में आरंभ में एक विनियोग होता है, फिर न्यास होता है, ऋषि आदि न्यास, अंग न्यास, कर न्यास, दिग न्यास, फिर ध्यान मंत्र होता है और उसके बाद मूल मंत्र की उपासना की जाती है और उसके पश्चात, क्योंकि हमारे जो पुरातन काल की जो मंत्र और उसकी साधना पद्धति काफी लंबी है, और बात कर रहा था कि ये सारी चीज करने के बाद ही कवच स्तोत्र का भी पाठ होता है, उसमें भी यंत्र निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, पंचोपचार पूजा, 16 उपचार पूजा, अलग अलग पूजा पद्धति होती है। यह नित्य कर्म में माना गया, कर्म माना जाता है।
मंत्र को यदि सिद्ध करने के लिए पुनश्चरण किया जाता है, क्योंकि मंत्र में वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि वह एक अद्वितीय मंत्र बन जाए, और सिद्ध होने पर वह मंत्र से वह अपने इष्ट देवी या इष्ट देवता के दर्शन भी होते हैं, और उनका प्रयोग आप दैनिक रूप में यानी डेली रूटीन में ले सकते हैं। बात करूंगा पुनश्चरण का। पुनश्चरण के 5 अंग माने जाते हैं, जप, हवन, तर्पण कार्य, मार्जन और ब्राह्मण भोजन। किसी विशेष कार्य को लेकर या किसी विशेष कार्य को मन में लेकर, संकल्प लेकर जो पूजा की जाती है उसे हम अनुष्ठान कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय यह संसार का एक क्रम है। परमपिता परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड का उद्भव और सृष्टि का नियमन किया है, और इसी के रूप में वे ब्रह्मा जी के रूप में अवतरित हुए, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हैं। जिस महाशक्ति की सहायता से वे इस पवित्र कार्य को कार्य करते हैं उसे महासरस्वती देवी कहा गया है। इस सृष्टि के पालन पोषण का महान कार्य यानी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भगवान विष्णु को सौंपा गया, जिसे भी अपनी शक्ति आद्या शक्ति के रूप में उनका एक स्वरूप है श्री महालक्ष्मी जी की सहायता से पूरा करते हैं। और संसार में रहते हुए सभी को लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी के किसी का काम नहीं चलता, चाहे वो योगी हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो। और जिनके पास लक्ष्मी नहीं होती उसके पास ना कोई फटकता है ना कोई उसको पूछता है, ये लाइफ का रियल फैक्ट है। चाहे हम कितने भी आध्यात्मिक की बातें कर दे, बिना लक्ष्मी का हमारा जीवन चल नहीं सकता। और पुराणों के आख्यानों के अनुसार भी ये तीनों ही महादेवी, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, उनमें से महालक्ष्मी को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है, क्योंकि जो पैदा होता है वह मरता है, जिसका जन्म हुआ है उसका नाश भी अवश्य संभवावी है, और इस समस्त ब्रह्मांड का एक समय जरूर नाश होता ही होता है, उसे ही शास्त्रों में महाप्रलय कहते हैं। उसके किसी एक भाग का नाश होता है और उसी में अर्थात उसी में वापस लय भी हो जाते हैं, उसे खंड प्रलय भी कहते हैं। और प्रतिक्षण जो चराचर जगत का नाश होने की ओर अग्रसर होता रहा है उसे नित्य प्रलय भी कहते हैं। हम समस्त जीव को जो नित्य मृत्यु की ओर हम बढ़ रहे हैं उस नाश को हम अवश्य प्राप्त हो गए, उसको शास्त्रों में नित्य प्रलय कहते हैं। और इस प्रलय के कार्य का भार भगवान महादेव, जिसको हम भगवान शिव भी कहते हैं, उनको सौंपा गया है, और इस महान कार्य का कार्य वे अपनी शक्ति मतलब आद्य शक्ति का एक तीसरा अद्भुत रूप महाकाली की सहायता से संपादन करते हैं। तंत्र शास्त्र में शिव शक्ति को सर्वशक्ति संपन्न राजा समझ लीजिए, और उनकी शक्तियों से ही विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूप धारण किए हैं। उनको जो जो कार्य सौंपे गए हैं उसके रूप, उनके गुण, प्रकृति के अनुसार उनके राम और स्वरूप रखे गए हैं। उनके मुख्य रूप से 10 अवतारों को या 10 स्वरूपों को, या मैं बोलो 10 मुख्य अवतार के स्वरूपों को शास्त्रों में 10 महाविद्या कहते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसका जो प्राणों द्वारा शरीर में जो जठराग्नि रहती है उसमें हवन में यज्ञ होता है, उसे शिव शांत होते हैं और शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, और यह शरीर अपना कार्य व्यवस्थित रूप से करता है। इसी प्रकार वातावरण यदि यज्ञ आहुति द्वारा शुद्ध करते रहे तो समय पर वर्षा होती है, प्रजा अवश्य सुखी होती है, नहीं तो भगवान शिव कहते हैं वो रौद्र रूप धारण करके विनाश का लीला प्रारंभ कर देते हैं। अतएव भगवान शिव और उसकी शक्ति की पूजा करते रहने से वे प्रसन्न रहते हैं और साधक का हित करते हैं और कल्याण अवश्य होता है। शिव अक्षर में जो शक्ति का ईकार लगा हुआ है यदि हम उसे हटा देते हैं वो ही शिव शव बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव शक्ति से रहित होकर शिव भी शव बन जाता है और शक्तिहीन हो जाता है, कुछ कर नहीं पाते, अतः शक्ति ही सर्वोपरि है। शिव को प्रसन्न रखने के लिए, उन्हें शक्तिमान रखने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए शक्ति आराधना कलयुग में बिल्कुल प्रमुख आराधना मानी गई है। और इसी 10 महाविद्याओं का परिचय, इसका नाम, इसका रूप, इनके गुण, इनके स्वरूप, इनका विस्तार से मैं आपको बताऊंगा आने वाले एपिसोड में। अगर मैं मुख्य रूप से कहूँ तो ऐसे 10 स्वरूप हैं माँ जगदम्बा के। एक है काली, जिसको हम काली महाकाली भी कहते हैं,
सामान्य भाषा में। दूसरी जो शक्ति है वो है तारा। तीसरी जो शक्ति है उसको शास्त्रों में कहा गया धूमावती। चौथा है बगलामुखी। पांचवा है छिन्नमस्ता, ठीक है, और पांच सौम्य। ये जो पांच मैंने कहे वो उग्र स्वरूप है, पांच सौम्य स्वरूप है माँ जगदम्बा के। एक है षोडशी त्रिपुरी, फिर है षोडशी भैरवी, फिर आती है कमलात्मिका जो लक्ष्मी का स्वरूप है, फिर आता है भुवनेश्वरी, और सबसे अंत में आता है माँ मातंगी। तो इस प्रकार से पांच उग्र स्वरूप है माँ जगदम्बा के और पांच सौम्य स्वरूप है। इन सबके अलग गुण धर्म है, स्वरूप है, अवतार है, और अलग अलग विशेष कार्यों के लिए इनकी उपासना की जाती है। तो आज यह छोटा सा एपिसोड में एक संक्षिप्त विवरण दिया मैंने माँ जगदम्बा के स्वरूप का। आने वाले एपिसोड में हम एक एक के ऊपर संक्षिप्त में वापस अपना मैं मंत्रों के साथ उसकी कुछ पूजा पद्धति या विचार अपने स्पष्ट करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इस पवित्र विचार को सुनने के लिए।